हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर चैनल। माई सेल्फ अशोक मीना। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 11th बायोलॉजी का वीडियो है। और 11th बायोलॉजी में हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेल यूनिट से। सेल यूनिट में फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, चैप्टर 8 है ये। और इसमें ऑलरेडी दोस्तों मैं चार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दिस इज द 5th वीडियो। तो अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे जो साइट्स हैं, वेबसाइट है या फिर फेसबुक पेज है, उनके लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो उनसे भी आप जरूर जुड़ें, ताकि आप कोई भी मतलब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें रहती हैं या कोई भी फैक्ट्स रहते हैं तो उससे आप मिस ना हो, ठीक है आपसे। चलिए, तो टाइम को खराब ना करते हुए अब इसे शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था सेल का आपको। देखिए, इसमें अब हम आज पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या होता है, ठीक है। सेल थ्योरी क्या है, किसने दी थी, क्या क्या बातें सारी ये सब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेल थ्योरी जो है दोस्तों, दो साइंटिस्ट का नाम हमेशा दिमाग में आता है, मैथिल्सिस शिल्डन एंड थियोडोर स्वान, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथिल्सिस शिल्डन एंड थियोडोर स्वान, या शिल्डन एंड स्वान भी डायरेक्ट सरनेम से इनको बोला जाता है। तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये दोनों अलग अलग जगह थे, अलग अलग जगह इन्होंने काम किया और संयुक्त रूप से इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या, देखते हैं। सबसे पहले शिल्डन की बात करें, मैथियस शिल्डन, ये कौन है, क्या करते हैं ये, क्या किया इन्होंने। शिल्डन ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। इन्होंने क्या बताया कि प्लांट जो होते हैं, सभी तरीके के जो प्लांट हैं, वो अलग प्रकार के टिश्यू रखते हैं, और अलग प्रकार के टिश्यू मतलब अलग अलग रीजन्स में टिश्यूज होंगे, तो टिश्यू जब मिलेंगे तो क्या, सॉरी, सेल्स जब अलग प्रकार के सेल्स रखते हैं और सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैथियस शिल्डन ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ द प्लांट। सिंपल सी बात है, देखिए जैसे हम में टिश्यू होते हैं दोस्तों, बहुत सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे, वैसे बहुत सारे प्लांट हैं। तो शिल्डन क्या कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें अलग अलग टाइप के सेल हैं, जब सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, थियोडोर स्वान की बात करें, इन्होंने क्या बताया, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी की, इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी की, ठीक है। तो स्वान ने किस पे स्टडी की, एनिमल सेल्स पे, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अलग अलग प्लांट सेल्स पे स्टडी की और इन्होंने ये पाया कि सेल्स के बाहर एक थिक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है आज, ठीक है, क्लियर है बात। सेल वॉल तो प्लांट एनिमल सेल में होती ही नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल में एक्सटीरियर आउटसाइड में जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी उसे कहा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ही ऑल्सो कंक्लूडेड, किन की बात कर रहे हैं, श्वान की बात कर रहे हैं, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, अच्छा इन्होंने प्लांट्स पे भी स्टडी की है, क्या स्टडी की, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल। अभी जैसा मैंने बताया, इन्होंने एनिमल पे स्टडी की, पहले तो एनिमल पे स्टडी की, इन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल में आउटसाइड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। प्लांट सेल में इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने पाया कि आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, उसके बाद भी एक थिक कोटिंग है, थिक एक कोट है, एक कवर है, और उसको सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में ही होती है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग करती है, ठीक है, मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसी बेसिस पे स्वान ने एक हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब अभी पूरा प्रैक्टिकल चीज नहीं है वो, हाइपोथेसिस मतलब सोचा है ऐसा कि हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि प्लांट और एनिमल के जो सेल्स होते हैं, प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है वो कंपोज्ड होती है किससे, सेल से। इन्होंने ये बात कही थी पहली बार, ये मायने रखता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। प्लांट और एनिमल, जैसे हम एनिमल हैं तो हमारी बॉडी जो है किससे बनी हुई है, हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी, हमारी बॉडी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, क्लियर है बात। ये इस तरीके से शिल्डन एंड स्वान, अब दोनों की बात कर रहे हैं, टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। इन दोनों का नाम हमेशा याद किया जाता है सेल थ्योरी के लिए, शिल्डन एंड स्वान जो है उन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया है, ठीक है।
दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है दोस्तों, इन्होंने सेल थ्योरी तो दी लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यह है कि सेल कैसे बना ये नहीं बता पाए ये, ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल बना कैसे, इन्होंने क्या बताया कि शिल्डन स्वान ने सेल थ्योरी दी है, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए हैं, ठीक है, ये सारी बातें कि सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है, ये सारी बातें इन्होंने बताई, लेकिन ये नहीं बता पाया कि सेल बना कैसे नया, ठीक है, यानी कि दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, नया सेल कैसे बना, ठीक है, क्लियर है ये बात, तो चलिए इसे समझते हैं। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्कोव, इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ विर्कोव नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं 1855 के टाइम पे, क्या बताते हैं ये, ही फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पुराने सेल्स थे उन्हीं से नया सेल बनता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और इसी बात को कहा जाता है ओमनिस सेलुला ए सेलुला, एक अलग मतलब लैंग्वेज में या एक अलग भाषा में इसको इस तरीके से एक फ्रेज है ओमनिस सेलुला ए सेलुला, और इसका मतलब होता है सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। दोस्तों कभी आपने सोचा है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हाथ है, ठीक है, तो हाथ में करोड़ों सेल बन रहे हैं, रोज करोड़ों सेल बनते हैं, रोज करोड़ों सेल मर जाते हैं, ठीक है, क्लियर ये बात, हमें ऐसा होता है पूरी बॉडी में चल रहा है, ठीक है, हम अमीबा की तरह तो है नहीं कि एक सेल मर गया तो लाइफ ही खत्म हो गई, या बैक्टीरिया की तरह तो है नहीं कि एक सेल मर जाता है तो लाइफ खत्म हो जाती है, हम में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, एक आध सेल के मरने से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम में तो डेली ही ये प्रोसेस चलता रहता है, करोड़ों सेल मरते हैं, करोड़ों सेल बनते हैं, लेकिन जो नए सेल बनते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ है तो इसमें करोड़ों सेल रोज बन रहे होंगे, करोड़ों सेल रोज मर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो सेल्स इसमें बनेंगे वो हमेशा सेम टाइप के होंगे दोस्तों, समझ पाए आप, कभी आपने सोचा है सेल्स तो पूरे बॉडी में है, ठीक है, तो यहां के सेल्स क्या बनाते हैं, नाक बनाते हैं, यहां के सेल्स क्या बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, ठीक है, यहां सिमिलर टाइप के सेल हैं जो नाक ही बनाएंगे हमेशा, और यहां सिमिलर टाइप के सेल हैं जो हाथ ही बनाएंगे, कभी आपने देखा है कि यहां नाक लग गया किसी के, या यहां से हाथ आ गया किसी के, या उग गया ऐसे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब यहां जितने भी सेल बनेंगे ना आपके लाइफ टाइम वो हमेशा नाक ही बनाएंगे, और यहां जितने भी सेल बनेंगे वो हाथ ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सेल्स हमेशा पुराने सेल से बने हैं, यहां जो भी सेल्स बन रहे हैं वो पुराने सेल से बन रहे हैं डिवाइड होके, ठीक है, और उनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन सेव्ड है कि आपको क्या बनाना है, नाक बनाना है, या आपको क्या बनाना है, हाथ बनाना है, ठीक है, उनका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है डीएनए उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन सेव्ड है पहले ही, ठीक है, क्लियर है बात। जब हम मदर के अंदर रहते हैं और हमें डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, खैर इसको और डिटेल में पढ़ते हैं आगे और आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट को लेकर तो आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, उसमें ये बताया था, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जब सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं दोस्तों उस अवस्था में फीटल स्टेज में सेल्स क्या होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं, सेल डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सेल्स तो हाथ बनाएंगे, ये सेल कान बनाएंगे, ये सेल नाक बनाएंगे, ऐसे ऐसे ये पूरे डिफरेंशिएट हो जाते हैं उसी टाइम पे, जन्म के बाद ये सेल्स बस क्या करते हैं, पुराने सेल्स मरता है डिवाइड होता है उससे नया सेल बनता है, फिर वो डिवाइड होता है फिर नया सेल बनता है, एक लाइफ स्पैन पूरी करेगा सेल डिवाइड हो जाएगा उससे दो नए सेल बन जाएंगे, ठीक है, तो मतलब पुराने सेल की इंफॉर्मेशन कॉपी होती रहेगी हमेशा, क्लियर है बात, अगर ऐसा नहीं होता कोई सेल कुछ भी बना रहा है तो यहां फिर कोई भी ऑर्गन आ जाता है आपके, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है बात, और यही बात हमें नहीं पता थी 1855 से पहले, ठीक है, इन्होंने बताई है पहली बार रुडोल्फ विर्कोव ने, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है, 1855 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बात बताई कि सेल्स जो है दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये भी कई बार इस तरीके से ये फ्रेज पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने दिया, रुडोल्फ विर्कोव ने, और इसका मीनिंग क्या होता है कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द शिल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, ठीक है, देखो क्या होता है ना दोस्तों, कई चीजें होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी हम जैसे अभी तो नहीं, आप लोग 11th में नहीं पढ़ेंगे, 12th में एक जेनेटिक्स आएगा आप लोगों की, ठीक है, तो जेनेटिक्स के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, उनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है, तो मेंडल ने जो चीजें बताई थी दोस्तों, ठीक है, वो गलत नहीं थी, वो सही थी, लेकिन उस टाइम पे उन चीजों को माना नहीं गया, क्योंकि उस टाइम पे इतना विकसित दिमाग नहीं था लोगों का, इस तरीके से उतना आगे हम नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि एक्चुअल में
ग्रिगोर जॉन मेंडल 1866 के टाइम पे, उस टाइम पे ये बता रहे थे कि सेल के अंदर कोई चीज है न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो है आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए वगैरह कुछ ऐसा होता है, और उसमें क्रोमोसोम्स में एलिल्स होते हैं या अलग अलग जो है डोमिनेंट ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है। तो एक्चुअल में लोगों को ढंग से अभी तो 1665 में सेल समझ में आया था, 1831 में जाके तो उनको न्यूक्लियस पता पड़ा था, ठीक है, और इतने जल्दी वो इतने आगे की चीजें बता रहे थे। तो गलत नहीं थी चीजें, लेकिन बहुत आगे की चीजें बता रहे थे, तो लोग समझ नहीं पाया उसे, क्लियर है बात, तो उनको नहीं माना गया। उसके कुछ सालों बाद कुछ साइंटिस्ट आते हैं, जैसे ह्यूगो डी वेरिस हो गए, ठीक है, इन सब ने मेंडल के ही जो नियम है उनको दोबारा अच्छे से प्रस्तुत किया था, ठीक है, समझ पाए आप इसे। तो शिल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी जो दी थी वो सही थी, लेकिन उसको ढंग से दोबारा प्रस्तुत किया इन्होंने। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप दिया उसको, ठीक है। इसमें एक टर्म है हाइपोथेसिस, इसका मैं आपको मतलब बताता हूं। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, अजम्पशंस बनाना। देखिए दोस्तों, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं ना साइंस में, तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ऑब्जर्व करना किसी चीज को, ठीक है, क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये इस तरीके से, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप इसमें आता है हाइपोथेसिस, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें आता है एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड स्टेप क्या आता है इसमें, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। फोर्थ स्टेप आता है प्रिंसिपल या थ्योरी। देखो होता क्या है, कोई भी चीज की जब इन्वेंशन होती है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। सेल की बात करते हैं, सेल को पहले ऑब्जर्व किया गया, फिर हाइपोथेसिस बनाई कि हाँ ऐसे हो सकता है कि सेल जो है पुराने सेल से बनते होंगे, या सेल जो है इस तरीके से प्लांट सेल में अलग टाइप के सेल होते हैं, एनिमल सेल में, ये सब क्या है, हाइपोथेसिस है। इनका अभी प्रमाण नहीं मिला था इनको, इन्होंने बस सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना, मतलब आप सोच रहे कि ऐसा हो सकता है। अब अलग अलग हाइपोथेसिस क्रिएट होती है अलग अलग दिमागों में, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और उन्हीं हाइपोथेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों, जब आपने जो चीजें सोची थी उन पे आप एक एक करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जो गलत चीजें थी वो हटती चली जाएंगी, और जो सही होगा वो इसका प्रिंसिपल या थ्योरी बन जाती है, ठीक है। सही कैसे होगा, अगर किसी हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट करने पे बार बार आप एक ही रिजल्ट पे पहुंचे तो मतलब वो सही है, ठीक है, और वो क्या है, उसका प्रिंसिपल या थ्योरी में डेवलप होता है। यहां पे इस तरीके से फिर इन्होंने हाइपोथेसिस को क्या दिया, एक फाइनल शेप दिया, एक थ्योरी के रूप में उसको इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है इसमें मेनली दो पॉइंट है, वैसे तो आपको आप साइड बुक में रेफरेंस बुक में देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। देखो दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट कहीं पूछते भी हैं कि सर रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है, बायो में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर ये बात, मतलब रिक्वायर्ड नहीं इन द सेंस, आप कैसे अगर पढ़ना भी आपको, आप कैसे पढ़ेंगे। देखो दोस्तों होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हमारे टाइम पे भी था, ये हमेशा से रहा है, ठीक है, हमेशा से ये बात रही है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने तो पढ़ ली, दो बार पढ़ ली एनसीईआरटी, बहुत हो गया। अरे दो बार पढ़ने से नहीं होगा ऐसे, समझ रहे हैं, एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है कि जितने बार पढ़ोगे ना उतने बार नए नए मतलब निकलते हैं इससे, ठीक है। इवन जो जैसे कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, या जो बहुत एक्सपीरियंस भी टीचर होते हैं, कुछ 20-20 साल 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं या कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे लेवल के, वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं दोस्तों भी, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी बुक है ना कि जिसका पोस्टमार्टम आप करोगे ना तो आप नई नई चीज़ें सामने आती जाएंगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये कहूँगा कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना आना चाहिए, और कैसे पढ़ना है इस पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, क्लियर है बात। बाकी रेफरेंस बुक का क्या रोल है, मैं ये नहीं कह रहा रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी, पढ़नी है। देखो क्या होता है, एनसीईआरटी हम पूरी पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए कोई टॉपिक, सपोज कीजिए यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं,
अब ठीक है हमने पढ़ लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में इतना एलिब्रेट करके नहीं दिया, नीट लेवल के हिसाब से, ट्वेल्थ और इलेवंथ के हिसाब से तो सफिशियंट है चीजें, ठीक है, नीट के हिसाब से मतलब इतना इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया एनसीईआरटी में, ठीक है, तो फिर क्या करें आप इस टॉपिक को रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर ही बात, ऐसे पढ़नी है रेफरेंस बुक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रेफरेंस बुक ही खोल लें एनसीईआरटी खोल जाए, मेन एनसीईआरटी अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो उसको रेफरेंस बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, ये एक तरीका होना चाहिए। अच्छा अब मैं बात करता हूं सेल थ्योरी क्या है, दो मेन बातें हैं इसमें सेल थ्योरी में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, पहली बात यह है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल थ्योरी ये कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से कंपोज्ड होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है, क्लियर है बात, सेल के प्रोडक्ट से बने या तो हम या सेल से ही बने, ठीक है, ये बात इन्होंने पहले बता चुका हूं मैं, इन्हीं को इन्होंने सही से प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, सारे सेल जो हैं पुराने सेल से बनते हैं, तो दो बातें सेल थ्योरी में हमेशा अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, पहली बात तो ये है कि सेल जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होगा या सेल के प्रोडक्ट से बना होगा, ठीक है, या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल से बने होंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होगा या उसके जो प्रोडक्ट है वो सेल से बने होंगे, ठीक है, दूसरी बात यह है कि कोई भी सेल जो है वो पुराने सेल से ही हमेशा आया होता है, ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, क्लियर है बात, ये इस तरीके से, तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। अब हम कुछ और चीजें इसमें समझते हैं दोस्तों, एक बार सेल का जो बेसिक ओवरव्यू है यानी कि सेल में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं वो एक बार समझते हैं। देखिए, ईच सेल हैज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, देखिए इधर देखिए सभी, यहां पर मैं बताता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर है, डेंस मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके बाद ये न्यूक्लियस कंटेन करता है क्या, इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये एक पेयर है, ऐसे 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम का एक पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, इस तरीके से ये आपका डीएनए होता है, ठीक है, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, आपके क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का एक पार्ट क्या होता है, डीएनए होता है, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, जो हेरिडिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है, यही चीज यहां पे इन्होंने बताई है। इसके बाद सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज द सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। देखो न्यूक्लियस दोनों में होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल वो डिस्पर्स फॉर्म में रहता है, बाकी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है तो इनमें जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट फॉर्म में रहता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा थोड़े से वेल डिफाइंड होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इतने वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियोज में, ठीक है। इसके बाद इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल है ना, इसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल है, तो सेल वॉल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, मेम्ब्रेन तो सब में होगा, या मैं तो प्लांट सेल एनिमल सेल की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक सेल की बात कर रहा हूं, कोई भी सेल होगा तो उसमें जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इस तरीके से मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स होगा इस तरीके से, तो जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और साइटोप्लाज्म मेन वॉल्यूम जो है कंस्टिट्यूट करता है सेल का, क्लियर है ये बात। इसके बाद द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट। देखिए अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, इसके अंदर क्या है, ये इस तरीके से देखिए, ये सेल है, इसके अंदर ये जो ग्रीन मैंने बताया, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म में होता है ना, ये मेन एरिना होता है, एरिना मतलब क्या होता है दोस्तों, एरिना मतलब एक अखाड़ा, ठीक है, एक एरिया मतलब, ठीक है, तो सेल का मेन एरिया यही है जहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन वगैरह जो भी अलग अलग प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सारे प्रोसेस यही चल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनको जैविक क्रियाएं कहा जाता है, ताकि एक सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह पाए, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा इसके बाद बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अगर छोड़ दें,
उसके अलावा द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, देखो न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है न्यूक्लियस तो चलो है ही, प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस भी नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस के अलावा भी सेल में कई डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जिनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनल्स कई सारे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी एक ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है, लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनल है, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। इनके बारे में मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, वीडियो नंबर सेकंड और थर्ड में भी, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो अगर आपने नहीं समझा है तो उसको देखें बेसिक ओवरव्यू के लिए, बाकी डिटेल में भी आगे भी आएगा कि क्या क्या है ये, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पोजिशन है, सारी चीजें। ठीक है, अच्छा इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता। एक डिफरेंस ये भी है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सबसे पहली बात तो राइबोसोम के बारे में ये याद रखना कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में अलग टाइप के राइबोसोम्स हैं, 70S, 80S जो भी है, मतलब ये अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इतना आप याद रखें कि प्रोकैरियोटिक ये राइबोसोम जो होता है, जिसको आप प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता रहता है, तो राइबोसोम प्लांट सेल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में क्या होता है? मौजूद होता है या पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और बात करते हैं स्ट्रक्चर में और बेसिक चीजों में सेल के बारे में, एक ओवरव्यू जो हम देख रहे हैं। राइबोसोम की बात करूं, राइबोसोम सबसे पहले तो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, इसको डिटेल में भी आगे समझेंगे कि प्रोटीन किस तरीके से बनता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का जो फेज होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा है? प्रोटीन में हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी सेल का कहा जाता है। राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स रफ ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो होता ही है। ठीक है, राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। एनिमल सेल्स की बात करूं, रफ ईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होता है ये, और अगर प्लांट्स में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना एनिमल सेल में बात करें तो रफ ईआर पे तो रहता ही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहता है। प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में रहता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लियर है बात, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात, मतलब जैसे हम में या यूकैरियोटिक सेल्स में, एनिमल्स में मैं बात करूं, एनिमल सेल्स में तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, प्लांट्स में भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन प्लांट्स में एक्स्ट्रा डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जा सकता है? क्लोरोप्लास्ट में। एनिमल्स में एक्स्ट्रा डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहां पाया जा सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए, एनिमल सेल्स कंटेन अनादर मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोल्स। सेंट्रोल्स भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहता है, जो कि सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन में रोल प्ले करता है। सेंट्रोल एनिमल्स में पाया जाता है, पहली बात तो ये प्लांट्स में नहीं होगा, और ये सेल डिवीजन में अपने क्या करता है? रोल प्ले करता है। और तीसरी और आखिरी बात इसके बारे में याद रखें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ये भी नहीं है, राइबोसोम की तरह ही ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, कुछ मतलब डाटा है कि कितना अमाउंट रहता है, वैसे तो बिल्कुल फिक्स नहीं याद रखना है, लेकिन लगभग लगभग इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो एनसीईआरटी के हिसाब से खैर यही डाटा है, लेकिन इन्हीं डाटा को याद रखें, किसी और बुक में कुछ और लिखा हुआ है तो उससे आप परेशान ना हो। ठीक है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज। साइज में शेप में एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा डिफर करते हैं सेल, कोई सेल अलग फंक्शन करता है, किसी का शेप अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3-5 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है सबसे छोटा सेल इस दुनिया का। ठीक है, और ये 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि एक बैक्टीरिया 3-5 माइक्रोमीटर का भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, हमारी बॉडी में अगर सबसे छोटा सेल कहूं तो आरबीसी, हमारी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला सेल कहूं तो कौन सा है? आरबीसी है। ठीक है, हमारी बॉडी के सबसे कम सेल ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी,
हमारी बॉडी के सबसे लंबे सेल नर्व सेल, ब्रेन के जो सेल होते हैं वो। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ सभी बातों को, सबसे छोटे सेल हमारी बॉडी के, वैसे तो सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर का है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है आरबीसी। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल भी होते हैं आरबीसी। हमारे बॉडी का सबसे कम बनने वाला सेल या कम पाए जाने वाला सेल होता है डब्ल्यूबीसी। और हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट लंबे सेल होते हैं नर्व सेल, न्यूरॉन्स, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द एस्ट्रिच। देखो अगर आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करूं, सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करूं, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो होता है, ठीक है, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है। अमंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमन, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन जो आरबीसी है हमारा, उसका जो डायमीटर होता है ये इतना है, ठीक है, तो इससे तो देखें आप कंपेयर करें तो ये बहुत ही छोटा है, तो ये दुनिया का सबसे छोटा है। बॉडी में अगर सबसे छोटी की बात करें तो आरबीसी है, ठीक है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबे सेल होते हैं नर्व सेल, जो कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। यहां पे फिलहाल इतना ही याद रखें कि लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी के। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, शेप में, फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, ये सब बातें हम कर चुके हैं ऊपर, तो इन सब चीजों में वैरी करता है सेल, ठीक है। मतलब सभी सेल बॉडी के एक ही तरीके के नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के सेल होंगे, कहां पे कौन से सेल है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन क्या होगा। दे मे बी डिस्कलाइक, डिस्कलाइक हो सकता है शेप, ठीक है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉल्यूमनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है शेप, इवन इरेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप आरबीसी के कुछ अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल, द शेप ऑफ द सेल्स में वेरी विद विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। अच्छा जैसा फंक्शन सेल करता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी संरचना दी गई है, ठीक है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होते हैं, अगर ये छोटे छोटे होते हैं तो कितने सारे सेल की रिक्वायरमेंट होती है, लंबे सेल होते हैं तो इस तरीके से अटैच होते हैं ताकि मैसेजिंग जो है ब्रेन से जो मैसेजिंग होती है पूरी बॉडी में वो तेज हो पाए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फंक्शन के आधार पर इवॉल्व हुआ है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। अब देखिए अगर यहां पे मैं कुछ सेल्स मैंने आपको बताए यहां पे एनसीईआरटी के हिसाब से, जैसे आप देखें तो आरबीसी जो है, ठीक है, आरबीसी का शेप कुछ ऐसा होता है, राउंड एंड बायकनकेव, ये आपको याद होना चाहिए। आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है और बायकनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी एमोबॉइडल, एमोबॉइड शेप होता है। डब्ल्यूबीसी पांच टाइप के होते हैं, डब्ल्यूबीसी वैसे दो टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स, ठीक है। इसके अलावा अग्रेनुलोसाइट होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये पांचों के जो शेप हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, हॉर्स शू शेप होता है, ठीक है। ये डिटेल में ये चीजें हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम में करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेसोफिल सेल जो होते हैं राउंड एंड ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, ट्रैकिड इलोंगेटेड, ठीक है। ये इस तरीके का भी सेल है, एक ट्रैकिड इलोंगेटेड सेल होता है। ये ट्रैकिड जो होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, लंबा सेल है ये, ठीक है। मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, ठीक है, हाँ मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल है, ठीक है। उसके बाद नर्व सेल ब्रांच्ड और लॉन्ग होते हैं, नर्व सेल जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और ओवल शेप के होते हैं, ठीक है, सॉरी ब्रांच्ड होते हैं, ओवल नहीं, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं। नर्व सेल कैसे होते हैं, ऐसे ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी उसमें निकली हुई, और लॉन्ग सेल होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, क्लियर है बात। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया सेल के, और यहां पे मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताया सेल का, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इससे संबंधित और बातें, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इनको डिटेल में, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो राइबोसोम की सरफेस कैसे होती है, 70S राइबोसोम किस में होता है, 80S किस में होता है, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो वीडियोस देखते रहें और सीक्वेंस में देखते रहें। अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे 11th बायोलॉजी का मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि रोज का एक वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज मुझे बताइए, जैसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आप किस टाइम में आपको वीडियो चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी भी अपलोड कर सकता हूं, मैं ज्यादातर नाइट में ही अपलोड करता हूं, ठीक है।
तो आप अपने हिसाब से मुझे बताइए कि आपको किस टाइम पे वीडियो ज्यादा कंफर्टेबल है देखना, शाम के वक्त 7 बजे, 8 बजे, या 3 बजे दिन में, या 4 बजे, किस टाइम पे आपको सही लगता है? ठीक है, तो आप मुझे एक टाइम बता दीजिए। सभी कमेंट कीजिएगा इस बात पे, इस क्वेश्चन पे, कि आपको किस टाइम पे 11th बायोलॉजी का वीडियो चाहिए। ज्यादा कमेंट जिस पे होंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं टाइम सेट कर दूंगा, और उसी टाइम पे आपको एग्जैक्ट उस दिन हर दिन वो वीडियो मिला करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस चीज को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ठीक है, देखते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।